नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बात करेंगे मायावती और अखिलेश यादव को लेकर। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपनी साख बचाने के लिए तमाम बड़े प्रयास कर रही है। मायावती उपचुनाव को लेकर बड़ी तैयारियां करती नजर आ रही हैं। उपचुनाव को लेकर बैठकें भी की जा रही हैं, लेकिन बैठकों के अभी तक कोई एक अंतिम परिणाम सामने नहीं आ रहे। कयास इस बात पर है कि अखिलेश यादव और मायावती का जो गठबंधन है वो हो सकता है, और लगातार गठबंधन को लेकर चर्चाएं भी तेज है। हालांकि हाल ही में मायावती ने साफ तौर पर कह दिया था कि किसी भी दल के साथ मैं गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं करना चाहती हूं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने गठबंधन कर लिया है, लेकिन उपचुनाव के लिए अभी तक गठबंधन पर कोई ऐलान नहीं किया गया। दूसरी ओर अगर बात कर ली जाए, कहीं ना कहीं मायावती और अखिलेश यादव का अगर गठबंधन होता है तो साल 2019 का समीकरण और साल 2019 में हुआ गेस्ट हाउस कांड एक बार फिर से दोहराया जा सकता है। मायावती ने इसी गेस्ट हाउस कांड को बड़ा कारण बताया, बड़ा मुद्दा बताया, और इस बड़े मुद्दे के तहत कहीं ना कहीं राजनीति गर्माती नजर आई। गेस्ट हाउस कांड को एक बार फिर मायावती अपने ट्वीट के जरिए एक तरह से दोहराती नजर आई, एक बार फिर से अपने ट्वीट के जरिए कहती नजर आई कि यही गेस्ट हाउस कांड है जो एक बड़ी वजह है, जो एक बड़ा कारण है स्थिति कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बदलने का और साल 2019 का समीकरण बदलने का। हालांकि मौजूदा स्थिति की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं मायावती और अखिलेश यादव अगर एक साथ आते हैं तो तमाम विपक्षी दलों में भी बौखलाहट बढ़ सकती है, या सीधे तौर पर कहें तो इंडिया गठबंधन में भी बौखलाहट बढ़ सकती है। इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अपनी स्थिति और अपनी साख को बचाने के लिए बड़े प्रयास कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर अगर आप देख लें मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन से तमाम मुद्दे राजनीतिक तौर पर बदलते नजर आ सकते हैं। मायावती का अखिलेश यादव के साथ गठबंधन और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का अपनी साख बचाना या मायावती की साख को कहीं ना कहीं एक तरह से सुरक्षित रखना, तमाम बड़े मुद्दे, तमाम बड़े सवाल लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति से उठाए जा रहे हैं। देखना है, दिलचस्प होने वाला है कि मायावती और अखिलेश यादव का एक साथ आना आखिर यूपी की राजनीति को कैसे बदलता है, उपचुनाव में आखिर स्थिति कैसे बदलती है, ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल अब आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।